वन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालाइन टेबलेट के बारे में, जो कि एक गर्भ निरोधक गोली है जिसे COC पिल्स के नाम से भी जानते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं, लियोनॉर्जेस्ट्रॉल एंड एथिनाइलोस्टेराइडल। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं। इसमें जो पैक है इसमें 28 गोलियाँ होती है, इसकी जो पैक होती हैं इसमें 28 गोलियां होती है। जो ऊपर की 21 गोलियां हैं सफ़ेद कलर की दिख रही हैं, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। और नीचे की जो 7 गोलियां दिख रही है ब्लैक कलर की, ये आपकी है आयरन की गोलियां। तो इसे हम इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कितना कितना उसका डोजेज रहता है। तो जो लियोनॉर्जेस्ट्रॉल है वो 0.15 mg में रहता है और एथिनाइलोस्टेराइडल 0.03 mg का कंपोजिशन होता है। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि इसे हमें किस प्रकार से लेना है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ ऑफ 28 पिल्स पैक, आपकी जो 28 गोलियां होती है इसको हम किस प्रकार से लेंगे। तो द फर्स्ट कोर्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आपकी पीरियड माहवारी शुरू होती है तो उसके 5वें दिन से आपको इसे शुरू करना रहता है। काउंटिंग फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज डे नंबर 1, जिस दिन आपका ब्लीडिंग शुरू होता है उस दिन को आपको पहला दिन काउंट करना है। बाई टेकिंग द पिल फ्रॉम द पैक मार्क एड स्टार्टेड, आपको ये जो दवाई है इसमें जो मार्क दिया है उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। जैसे इसमें मार्क दिया है तो आपका जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके 5वें दिन से यदि आप एक गोली लेती हैं तो जो एरो का निशान दिया है इसको आपको एक गोली लेना है, फिर दूसरे दिन ये वाला जो एरो का निशान है इसको लेना है। इस तरीके से आपको लेना रहता है। फॉर सब्सिक्वेंट डेज 1 पिल अ डे शुड बी टेकन फ्रॉम द पैक इन द ऑर्डर इंडिकेटेड बाई द एरो, जिस प्रकार से एरो में दिखाया गया है उस तरीके से आपको एक एक गोली लेने रहता है। द न्यू पैक शुड बी स्टार्टेड द वेरी नेक्स्ट डे बाई टेकिंग द फर्स्ट पिल फ्रॉम द पैक मार्क द स्टार्टेड, जब आपकी ये दवाइयाँ पूरी कंप्लीट हो जाती है तो जब आपका नेक्स्ट पीरियड आता है तो आपको नेक्स्ट जो पैक है दूसरी जो पैक है उसको स्टार्ट करनी है। द पिल शुड बी टेकन एवरी डे एट अ फिक्स टाइम, आपको जो ये दवाई है उसको एक फिक्स टाइम आपको करना पड़ेगा। प्रिफरेबली वाइल गोइंग टू बेड, जब आप सोने जाते हैं खाना खाने के बाद में तो रात के समय इसको सोने से पहले एक गोली आपको ले लेना है। फिर हम बात करते हैं कि इसे कौन कौन सी महिलाएं यूज़ कर सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनका डिलीवरी हुआ है और वो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, तो ऐसी महिलाएं डिलीवरी के 6 महीने के बाद में इसको स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो मालाइन की टेबलेट है इसमें हार्मोन्स रहता है तो ये हार्मोन्स माँ के दूध के क्वांटिटी और क्वालिटी में इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसलिए प्रसव के 6 महीने बाद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मालाइन की टेबलेट स्टार्ट करनी चाहिए। और ऐसी महिलाएँ जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं वो 3 सप्ताह बाद मतलब कि 21 से 28 दिनों के बीच में मालाइन की टेबलेट स्टार्ट कर सकती हैं। और ऐसी महिलाएं जिनका अबॉर्शन हुआ है वो 7 दिन के अंदर इसको लेना शुरू कर सकती हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं इसको लेंगी। तो न्यूली मैरिड कपल्स जिनकी नई नई शादी हुई है और अभी बच्चे नहीं चाहते हैं, अनचाहे गर्भ से बचना चाहते हैं, तो ऐसे कपल्स ऐसी महिलाएँ इसको यूज़ कर सकती हैं। एनीमिक जो पेशेंट हैं, जिन महिलाओं में एनीमिया है खून की कमी है, तो ऐसी महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं। और पीरियड के दौरान यदि हैवी ब्लीडिंग होता है तो ऐसी महिलाएं भी मालाइन टेबलेट का यूज़ कर सकती हैं। देन हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। मालाइन टेबलेट को लेने के बाद यदि आपका पीरियड इरेगुलर है तो रेगुलर हो जाएगा, और जो पीरियड के समय पे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है वो कम हो जाएगा। ओवरी या फिर यूट्रस में जो कैंसर होने का जोखिम रहता है इसको ये कम करता है। फिर हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कौन कौन सी महिलाएं मालाइन टेबलेट का यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो गई हैं, ऐसी महिलाएँ जो स्तनपान करा रही हैं और बच्चे की उम्र 2 से 6 महीने के बीच है, तो ऐसी महिलाएँ इसको यूज़ नहीं कर सकती हैं। जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं उनको इसको यूज़ नहीं करना है। जो महिलाएं HIV से संक्रमित हैं,
टीबी से संक्रमित हैं। ऐसी महिलाओं को इसे यूज़ नहीं करना है। जिन महिलाओं को जॉइंडिस है, पीलिया है या फिर हार्ट की कोई बीमारी है, लीवर की कोई परेशानी है, ऐसी महिलाएं मालाइन टेबलेट को यूज़ नहीं कर सकती हैं। देन हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। मालाइन टेबलेट को लेने के बाद कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है? तो पीरियड आपका इरेगुलर हो सकता है, जो कि अस्थायी होता है, 2-3 महीने में वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कमजोर चक्कर आ सकता है, चेहरे पे मुहासे आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है। तो इस तरीके से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि आपको इस दवाई को लेने के बाद बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। और ये जो मालाइन टेबलेट है, आपके निकटतम जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सारे जगहों पर निःशुल्क रूप से अवेलेबल रहता है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।